शुरू किया, थर्ड पे पहुंचे तो अलग लगा ये तो आते ही नहीं, फोर्थ पे पढ़ा ये भी नहीं आता, फिर फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट आते हैं, लेकिन सारा ध्यान कहाँ गया, सब वो दो क्वेश्चन पे जो नहीं आते, है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो अच्छी तरह से आपको आते हैं उनको अटेम्प्ट करो, ठीक है। फिर बाद में दो क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा होता है कि करते करते लास्ट में एकदम से याद आ जाता है ना, कभी कभी याद भी आ जाता है, और फिर थोड़ा सा रिलैक्स फील करो, थोड़ा सा डीप ब्रीथ करो और अपने को बोलो आई कैन रिमेम्बर, आई कैन रिकॉल, क्या बोलोगे, क्योंकि वो पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं दिमाग में है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल के आते हो तो आपको याद आ जाता है, अरे ये तो वहां नहीं आया, वहां नहीं याद आया, लेकिन बाहर आते याद आ जाता है ना, होता है, बहुत होता है ना ऐसे। इसके लिए क्या करना है, जब अपना आपने पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लिया, जो आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन आते हैं उनको आपने आंसर दे दिया, लास्ट में टिक लगाओ जो नहीं आते हैं उनके बारे में, अपने मन में एक अफर्मेशन दो, आई कैन रिकॉल, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली वो पढ़ा हुआ आपको याद आ जाएगा, ठीक है। और जब आप एग्जाम देने बैठो तो आप ये देखते हो कि आपका क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 8 क्वेश्चंस है और कितने आवर्स का पेपर होता है, 3 आवर्स का, तो आप अलॉट करते हो टाइम कि इतने क्वेश्चंस हैं हमको कितना कितना समय देना है एक क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन पेपर ऐसे अटेम्प्ट करने कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो 15 मिनट पहले कम से कम फिनिश हो जाए असाइन टाइम के, अगर 3 घंटे का पेपर है तो 3.5 घंटे में पूरा पेपर फिनिश हो जाए, जिससे वो लास्ट के 15 मिनट्स में क्या करो आप रिवाइज कर लो, और जो नहीं आता वो उसको रिकॉल कर लो, ठीक। और जब हम एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर रहे हैं ना, तो किस माइंड सेट के साथ एंटर करना है, आई एम वेल प्रिपेयर्ड, हाँ। और ये इसको प्रेशर की तरह नहीं लेना है। और फिर एक नैन्सी आपने और क्या बात बोली थी, हाँ मार्क्स, जब आप एग्जाम देने बैठो तो मार्क्स की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, जो आप करोगे उसी के अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेंगे, ये नहीं सोचना है कि कितने मार्क्स आएंगे, बस लिखते चले जाओ, ठीक है। और नैन्सी क्या बोला था, या किसी और का कोई क्वेश्चन हो, और कोई बोलना चाहेंगे, बट ही इज वेरी राइट, वॉट एवर रियल प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग यू टेल मी, है ना, बिकॉज ऐसे बोलते हैं कि यू शुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर डॉक्टर एंड फ्रॉम योर लॉयर, है ना, आप अगर उनको ठीक से बताओगे देन यू विल गेट द राइट सॉल्यूशन, सो फॉर राइट सॉल्यूशन डोंट फील शाय टू आस्क, वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग फील फ्री टू आस्क, ओके, इफ यू आर फ्री you don't feel hesitant, then it would be easier for me to answer your questions, okay, so don't feel hesitant, whatever is there in your mind come up with it, theek hai, ab apne batao apni jo problems aap exam mein face karte ho wo batao sab mujhe, kuch bachcho ko aise hota hai ki physical symptoms aane lagte hain, theek hai, hota hai headache hoti hai ya fever ho jata hai, hota hai na, wo sab kya hota hai because of anxiety only, very common, theek hai। तो अगर हम शुरू से ये वाली अप्रोच लेकर चलेंगे, एग्जाम आर जस्ट टेस्ट ऑफ माय नॉलेज, दिस एग्जाम इज नॉट द एग्जाम ऑफ माय लाइफ, है ना, ये क्या द फर्स्ट एंड लास्ट एग्जाम है आपकी लाइफ का, नो, रियल एग्जाम कब होगा, जब आप अपने प्रैक्टिकल फील्ड में एंटर करोगे, दिस इज जस्ट अ स्मॉल टेस्ट, ठीक है, ये बिठाएंगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो हो सकता है और लोगों का भी हो। गुड मॉर्निंग मैम, हाँ गुड मॉर्निंग मैम, जब हम लोग लर्न करते हैं एग्जाम के लिए वो तो पूरा जाता है लर्न, लेकिन उसके बाद भी ये लगता है कि कुछ रह रहा है, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि एक तो जब आपका एक पढ़ने का जो आपका प्लेस है जहाँ पर आप बैठ के पढ़ते हो, इट शुड बी फिक्स्ड, यानी कि किसी दिन आप ड्रॉइंग रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, किसी दिन बेडरूम में पढ़ रहे हो, और कभी कोई गेस्ट आ गए तो भी आप वहीं पढ़ते जा रहे हो, you should have a fixed place and fixed time for studies, aapki distraction nahi honi chahiye, beech beech mein koi phone aa raha hai to aapke paas, aksar main dekhti hu aapke group ke jo age group ke bacche hain wo hamesha phone apne paas rakhte hain, beech beech mein messages bhi dekhte jaate hain, sit down, messages bhi dekhte jaate hain aur padhte bhi jaate hain, but possible hai,
वो पॉसिबल चीज, नो डिस्ट्रैक्शंस व्हेन यू आर स्टडिंग. और आप जो भी पढ़ रहे हो उसको आपने जब, जैसे आपने एक दो घंटे पढ़ लिया, उसके बाद आप बुक बंद करो और आप अपने दिमाग में रिवाइज करो कि मैंने क्या पढ़ा. ऐसे ही पढ़ के नहीं छोड़ो उसको, एक साइड में पेपर में लिखो कि मैंने ये चीजें इस टॉपिक के अंदर पढ़ी हैं, और फिर उसको दिमाग में रिवाइज करो. फिर आपको लगेगा कि कुछ ये चीज मैं भूल गई, देन यू कैन अगेन रीओपन योर बुक एंड देन यू कैन लर्न, है ना. और जैसे पूरा आपने वीक पढ़ा, उसके बाद सैटरडे संडे में आप फिर से पूरा वीक का रिवाइज करो कि आपने क्या पढ़ा है, तो उससे आप ऐसे फिर एंड ऑफ द मंथ में रिवाइज करो, तो इससे आपको रेगुलर रिविजन होती रहेगी. ठीक है ना, जो बार बार हम एक चीज की प्रैक्टिस करते हैं उसको नहीं भूलते हैं. आपने जो बचपन में टेबल्स याद किए थे 2, 3, 4, 5 के सारे, भूलते हो? कभी नहीं भूलते. क्यों नहीं भूलते? क्योंकि रिवाइज होते रहते हैं, उसका एप्लीकेशन होता रहता है. तो वो कोई भी ऐसी चीज जिसको हम एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, लेकिन फिर भूल जाएंगे क्योंकि हम उसको रिवाइज नहीं कर रहे. तो ये एग्जाम जो है क्या है, ये आप कैसे, ये एग्जाम सिर्फ यही नहीं है कि आपको वहां पे टेस्ट लिखना है. ये एग्जाम आपके नॉलेज के साथ साथ और क्या टेस्ट है, आपके टाइम मैनेजमेंट का भी टेस्ट है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो, है ना. जैसे आप स्कूल से जाके, 5 घंटे का स्कूल से जाके, आप घर में कैसे अपना शेड्यूल कैसे बनाते हो पढ़ाई का, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट ये सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं काम आएगा, आपको नेक्स्ट फिर 12th में जाओगे वहां काम आएगा, फिर आप अपने ग्रेजुएशन में जाओगे वहां आएगा, फिर आप अपने रियल लाइफ में जब जाओगे वहां पर भी आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो, तो आप यू विल बी एबल टू डू सो मेनी थिंग्स. इट इज ओनली बिकॉज हाउ यू मैनेज योर टाइम. ठीक है, और बड़े आपको अपना आंसर मिला कि हम ना भूलें उसके लिए हमें क्या करना है, यू शुड कीप ऑन रिवाइजिंग. हाँ, और अपने को बोलना है कि मैं भूलूंगी नहीं, मुझे याद है. जैसे एग्जाम में बोलना आई कैन रिकॉल, है ना. और क्वेश्चंस? हाँ बेटा बोलो. मैम, इज द ई-लर्निंग इज बेनिफिशियल फॉर अस? ई-लर्निंग? यस मैम, लाइक YouTube वीडियोस एंड सम अदर एप्लीकेशंस रिगार्डिंग योर एग्जाम्स. यस मैम. अच्छा, आवर सिलेबस. हाँ हाँ, ओके. डू यू हैव सम लेसन्स ऑन YouTube? देखो बेटे, ये एवरीथिंग विच वी डू इन एक्सेस बिकम्स आवर एडिक्शन. ठीक है, समझ में आई? जो चीज हम जरूरत से ज्यादा करने लग जाते हैं वो हमारा एक नशा हो जाता है, तो उसको हमें अवॉइड करना है. अगर आपको ई लर्निंग से एक दो चैप्टर्स आपको लग रहा है या कुछ टॉपिक्स आपको लग रहे हैं कि आपको उसको करने से नॉलेज मिल रही है या आपकी कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो रहा है, देन इट इज ओके. एंड इफ इट बिकम्स योर हैबिट, देन इट इज एडिक्शन. ठीक है, एक दो चीजें करो, अदरवाइज आपकी उसमें बुक में, हार्ड कॉपी में सब कुछ है. ट्राई टू स्टडी फ्रॉम योर बुक्स, दिस इज माई ओपिनियन. ठीक है, क्योंकि आपको 10th तक कुछ ऐसा वास्ट नहीं पढ़ना होता है, अपने जो एनसीईआरटी की प्रिस्क्राइब बुक्स हैं उसमें से पढ़ना होता है, उसी में से आएगा, तो वो सब कुछ वहाँ है. अगर आपको पढ़ना है या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो फिर आप अपने वेकेशंस में पढ़ो उस सब्जेक्ट के बारे में जो आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हो. एंड गुड मॉर्निंग मैम. मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पेरेंट्स हमेशा ये कहते हैं हमसे कि तुम्हारे लिए 10th की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप कुछ भी जॉब या फर्दर स्टडीज करते हैं तो 10th की मार्कशीट वहाँ लगती है, तो दिमाग में उससे इतना प्रेशर हो जाता है कि लगता है कि अगर कुछ गलती हो गई इसमें तो बस हो गया काम. बिल्कुल ठीक है ये, दिस इज राइट दैट योर 10th क्लास मार्कशीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप आगे हायर स्टडीज के लिए जहाँ पे जाओगे 10th और 12th क्लास की मार्कशीट आपकी लगेगी, देर इज नो डाउट. कभी कभी तो कुछ कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपके कुछ उन्होंने ये भी लिखा होता है कि 10th में आपके यू हैव टू हैव फर्स्ट डिवीजन मार्क्स 60% अबव होने चाहिए, है ना. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये सब करने के पीछे क्या रीजन होता है कि इतने मार्क्स, साइंस के पीछे क्या रीजन है? अब पेरेंट्स क्यों कहते हैं कि 80% लाओ, 90% लाओ, क्यों कहते हैं? जिससे कि आप हार्ड वर्क करो, है ना. हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है.
वो मार्क्स लाने के पीछे पेरेंट्स का प्रेशर यही होता है कि आप अपना टाइम को यूटिलाइज करो, बिकॉज व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ स्टूडेंट, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ फादर, फादर की क्या ड्यूटी है, टू सर्व यू, टू वर्क एट हिज प्लेस, बिजनेस है या जॉब है ना, और मदर की क्या ड्यूटी है, टू टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक कोर्स, ठीक है, और एक स्टूडेंट है उसकी क्या ड्यूटी है, टू स्टडी एंड गेन नॉलेज, ठीक है। तो हाँ, अगर हर कोई अपनी ड्यूटी करेगा, मान लीजिए आपकी मदर जो है वो एक दो दिन शी डजंट वांट टू डू द वर्क, तो हाउस होल्ड कैसा हो जाएगा, केओस, है ना। पापा भी अगर एक दो महीने काम पे नहीं जाएंगे तो आपका घर का खर्च कैसे चलेगा। तो हर कोई अगर अपनी ड्यूटी करेगा तो सब चीजें हारमोनियस और एक स्मूथ वे में चलती रहेगी। तो ड्यूटी ऑफ अ स्टूडेंट इज टू स्टडी एंड गेन नॉलेज। पहले क्या होता था, गुरुकुल होते थे ना, तो 25 साल तक एक ब्रह्मचार्य आश्रम होता था, उसमें 25 इयर्स तक बच्चों को वहीं रहना होता था। वो क्या करते थे, जो गेन नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करते थे गुरुकुल में, उसके बाद वो दुनिया में आते थे, है ना। तो आपके जो 16 टू 25 के जो इयर्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इयर्स ऑफ योर लाइफ, दीज आर वेरी क्रूशियल इयर्स, बिकॉज वॉट एवर यू डू इन दीज इयर्स विल गिव यू बेनिफिट व्हेन यू बिकम 30 और 40। जो आपको 30 40 इयर्स में सक्सेसफुल लोग नजर आते हैं, वो क्यों नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इस एज में मेहनत की हुई है, ठीक है। तो मम्मी पापा का जो प्रेशर आप बोल रहे हो, मम्मी पापा का प्रेशर उसको आप एक पॉजिटिव वे में लो। कोई भी प्रेशर है उसको कैसे ले सकते हैं, कोई भी, ठीक है। तो अगर हम पेरेंट्स के प्रेशर को पॉजिटिव वे में लेंगे तो हम इंस्पायर्ड होंगे, तो हम और पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर हम इसको नेगेटिव वे में लेंगे तो क्या हो जाएंगे, तब हम स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। ये हमारे ऊपर है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि मैम ने बोला है स्ट्रेस नहीं लो, कोई बात नहीं है, एक घंटा पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, हो गया, ऐसे नहीं सोचना है। 10th क्लास के बच्चों को कम से कम 5 घंटे पढ़ना चाहिए, apart from your school studies. उसके लिए when you go back home, you prepare your timetable, prepare your schedule, assign time to every subject so that you can finish your course at least 1 month before the exam, so that for 1 month you can revise your course. ठीक है, parents का आपको समझ में आ गया, ठीक है। और माइक दे आगे, सागर माइक दे दो आगे। बोर्ड का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता कि इसी बुक से आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, एनसीईआरटी सिलेबस पर बेस्ड होता है, बट क्वेश्चंस कैन बी फ्रॉम एनी बुक। तो ऑलवेज ही टेंशन रहता है कि आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, फिर सडनली रिफ्रेशर खोली तो अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आते ही नहीं है, देन उसे सॉल्व करने बैठे, किसी ने कोई फ्रेंड क्वेश्चन लेकर आया, किसी और रिफ्रेशर में क्वेश्चन मिल गया, अरे ये भी नहीं देखा, तो ऐसे एक लॉट ऑफ कैओस क्रिएट हो जाते हैं कि ये रिफ्रेशर भी है, ये भी है, ये भी है, एनसीईआरटी कंप्लीट करिए सिर्फ, तो वो भी टेंशन रहता है कि अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, जबकि ऑलमोस्ट हमने सब पढ़ लिया, पर फिर भी जो माइन्यूट प्रिपरेशन होती है वो रह जाती है, तो उसके लिए कोई गुड गुड क्वेश्चन। Although I am not related with academics, but I can answer you. Sit down. उसके लिए ये होता है कि आप क्या देखते हो लास्ट के 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखते हो। मैं एकेडमिक आंसर्स का दे दूंगा। ये ऐसा होता है? Apart from NCERT books भी आते हैं? बिल्कुल होता है। अच्छा, तो आप ब्रिटिश जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आप क्या पिछले 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से देखते हो, है ना? Like आपने एक टॉपिक, एक लेसन प्रिपेयर किया, ठीक है। जब आप लेसन प्रिपेयर कर रहे हो शुरू से ही, तो आप स्टार्टिंग से ही ना 10 ईयर क्वेश्चन पेपर को साथ में लेके चलो और वो क्वेश्चंस आप लिख लो जो जो आ चुके हैं, और उससे रिलेटेड आप तभी के तभी उनको करो और लास्ट में नहीं करो। और एक और बात है, थोड़ा आंसर चंद्रशेखर जी देंगे, जो साइकोलॉजिकल हमें डिस्टर्बेंस होती है उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि मान लो बिल्कुल लास्ट मोमेंट है, आप एकदम एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर रहे हो, आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, और आपके एक फ्रेंड ने आके आपको बोला कि ये वाला क्वेश्चन तुमने किया है, और आप टेंशन में आ गए, ये तो मुझे आता ही नहीं, मैंने किया ही नहीं, ठीक है। उस समय क्या करना है, डोंट टेक टेंशन, जितना आता है उसको 100% करो, उसके लिए परेशान नहीं हो, क्योंकि आपको
99% आता है और 1% आपने नहीं किया, हो सकता है वो आए ना, लेकिन उसके टेंशन के चक्कर में जो आता है ना वो भी भूल जाओगे, उसको छोड़ दो। लास्ट मोमेंट पे जो आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, गो विद मेंटल रिलैक्सेशन एंड परफॉर्म, ठीक है? और उसका आंसर आप बेटा, जो आपका प्रश्न है ना वो ये है कि एनसीईआरटी बुक से प्रश्न नहीं आते हैं, रिफ्रेशर या अदर सोर्सेस से प्रश्न आ जाते हैं, यही प्रश्न तो है आपका। आप ये क्यों सोच रहे हो कि एनसीईआरटी का प्रश्न नहीं आया? कोई भी, चाहे मैथ का हो, साइंस का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, कहीं जब सिलेबस आता है तो सिलेबस में ये नहीं दिया जाता कि ये प्रश्न आएंगे, टॉपिक्स तो डिफाइन होते हैं। कोई प्रश्न अगर मैथ का है, एनसीईआरटी बुक्स में है, नहीं है और आरएस अग्रवाल से आ गया है, लेकिन उसमें जो एप्लीकेशन, जो उसमें फॉर्मूला लगा हुआ है वो एनसीईआरटी में बताया हुआ तो लगा है, फिर क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा ये है कि बेस एनसीईआरटी है, उसमें दिए गए एप्लीकेशन, उसमें दिए गए फॉर्मूला ही है, उनका एप्लीकेशन आपको इतने बेहतर ढंग से आता हो कि आप किसी भी डिजिट और किसी भी स्थिति में उस सवाल को सॉल्व कर सके। समझ में आ गया? तो इसलिए आरएस अग्रवाल और दूसरी जो किताबें हैं या एनसीईआरटी के जाल में नहीं फंसना है इस तरीके से। आपको आपको अपने बेसिक्स क्लियर रखने हैं, जब आपका एप्लीकेशन करने का तरीका आपको आता होगा तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ये मेरा आंसर है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो प्रिस्क्राइब्ड कोर्स में से आएगा, जरूरी नहीं है कि वो वही लैंग्वेज लिखी हो बुक की, है ना? अगर आपको एक उस सब्जेक्ट की नॉलेज है, आपको फॉर्मूला आता है, तो आप कोई भी सम सॉल्व कर लोगे, कोई भी इक्वेशन आज कर लोगे सॉल्व, ठीक है? आपको मिल गया अपना आंसर सर से। और लेकिन साइकोलॉजिकली क्या होना है कि अगर नहीं आता तो उसको कोई बात नहीं, नहीं आता तो बहुत सारी चीजें नहीं आती, उस समय नहीं घबराना एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि अब हम बिल्कुल एग्जाम्स को अप्रोच करने वाले हैं ना, तो अभी जितना टाइम है उसमें देखो रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हैं। अभी कितने दिन है आपके एग्जाम में? 25th को है ना, अभी आज फर्स्ट है, चलो 20 डेज मान लो, है ना? 20 डेज में अगर आप उसमें देखो रिफ्रेशर कोर्स में जो जो आपके रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, जो आपको लगता है आपने नहीं प्रिपेयर करी है, तो यू हैव टाइम, डू इट, ठीक है? मेनली एग्जाम क्या चीज है, ये हमारी प्लानिंग का टेस्ट है कि हमने अपने पूरे साल को कैसे मैनेज किया, बस ये टेस्ट है। जिस बच्चे ने शुरू से अपने को अच्छा मैनेज किया होगा उसके लिए एग्जाम का कोई डर नहीं है, ठीक है? और क्वेश्चंस? दिस इज वेरी गुड दैट यू पीपल आर कमिंग अप विद योर क्वेश्चंस। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, जैसे आपने कहा रेगुलरिटी चाहिए पूरे मतलब थ्रूआउट द ईयर, बट जैसे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी या मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उस वजह से रेगुलरिटी नहीं हो पाई मेरे साथ। अब मुझे ये डर लगता है कि एग्जाम्स के बोर्ड बहुत नियर है, तो मैं अपना बेस्ट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी? आप अपना बेस्ट, आपको लगता है ना कि कर पाओगे या नहीं, आप कर रहे हो, कर रहे हो ना? आप उसको प्रेजेंट में देखो, बिकॉज बैठो, हम कभी कभी हम स्ट्रेस कैसे करते हैं, हम या तो पास सोचते हैं, पिछले साल मेरे नंबर अच्छे नहीं आए थे, इस बार भी पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, होता है? या आगे, अभी तो अच्छे आए हैं लेकिन आगे आएंगे कि नहीं आएंगे, तो हम कहां पर झूलते रहते हैं? या तो हम पास्ट में झूलते हैं या फिर हम आगे फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है? हमको कहां रहना है? प्रेजेंट में। आप ये सोचो आज के दिन मेरी प्रिपरेशन कैसी है, आपके आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए हो, बट वॉट एवर टाइम यू हैव, यू put it in, put all your efforts into it, whatever time you have, ठीक है? और अपनी तरफ से अच्छा करो, बाकी जो exam में तभी अगर tension free रहोगे तो जो आता होगा उसको अच्छे से perform कर पाओगे, अपनी preparation 100%, ठीक है? और why do we feel sick? Stress. कहाँ stress होता है? Mind में.
वो माइंड में जब स्ट्रेस होता है तो हमारी फिजिकल जो बॉडी है ना उस पे मैनिफेस्टेशन होते हैं. बिकॉज क्या होता है विचार आपके मन में थॉट आया एग्जाम का थॉट आया ठीक है. एग्जाम के थॉट आने से क्या फीलिंग आई फियर डर. अब आप मेरे को ये बताओ जब हम डरते हैं मान लो किसी को डॉग से डर लगता है हमारे सामने डॉग आ जाएगा तो हमारी बॉडी में क्या होता है बॉडी में कैसे रिएक्ट करती है बॉडी क्या क्या होता है स्वेटिंग होती है और शिवरिंग होती है और मुंह सूखने लगता है ठीक है और हार्ट बीट तेज हो जाती है और बॉडी हमारी ठंडी हो जाती है ना. और क्या होता है ब्लड प्रेशर हमारा लो हो सकता है हाई भी हो सकता है और हाँ क्या भागने या इसको बोलते हैं फ्लाइट और फ्राइट या फ्रीज. डर पे हम या तो भागते हैं या फिर वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं है ना. तो कहां से प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुआ थॉट्स. तो हमें कहां पे करेक्शन करना है थॉट लेवल पे करेक्शन करना है. सारी हमेशा ये याद रखो अपने आगे भी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए हमको करेक्शन करना है थॉट पे. अगर हमारी थॉट ठीक होगी तो हमारी फीलिंग भी ठीक होगी और फिर हम डरेंगे भी नहीं हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे ठीक है. वो थॉट एग्जाम को एग्जाम के लिए क्या थॉट मैंने क्या लिखा था इट इज एक्सरसाइज एट योर मेंटल स्टेट. फिर वैसी फीलिंग आएगी. फीलिंग कैसी आएगी रिलैक्स्ड आई एम प्रिपेयर्ड. फिर बिहेवियर क्या होगा बॉडी कैसे बिहेव करेगी जैसे हम नॉर्मल अभी क्लास में बैठे हैं. अभी किसी को टेंशन हो रहा है बैठ के नहीं हो रहा ना रिलैक्स हो ना सब. तो ऐसे ही आप रिलैक्स वे में अपना पेपर दे दोगे ठीक है. अब थ्री थिंग्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. सो दैट यू डोंट फॉल सिक. कैसा खाना है न्यूट्रिशियस. कुछ बच्चे होते हैं वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आते स्कूल में. आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो बिना ब्रेकफास्ट के आते हैं. ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ योर डे. व्हाई ब्रेकफास्ट का क्या मतलब है. ब्रेकफास्ट क्या मतलब हो गया जो आपने पूरी रात फास्टिंग की है. अगर आपने रात को 10 बजे खाना खाया है तो आप कितने आवर्स का फास्ट हो गया आपका 7-8-9 आवर्स का फास्ट. ही देने वाला हमारा मील क्या होता है ब्रेकफास्ट. आपने ये सुना है ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग आगे लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ बैगर. बैगर कैसे खाते हैं थोड़ा सा. डिनर शुड बी स्मॉल और सबसे हैवी चीज क्या होनी चाहिए ब्रेकफास्ट. क्योंकि अगर हम अच्छा ब्रेकफास्ट करके आप बच्चे आओगे स्कूल में तो आपकी लर्निंग और कंसंट्रेशन की पावर अच्छी होगी. अगर आप खाली पेट रहोगे तो दिमाग में एनर्जी नहीं मिलेगी कैलोरीज नहीं मिलेंगी ठीक है. बट वॉट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन. आजकल बच्चे बहुत जंक फूड खाते हैं ना. वॉट काइंड ऑफ फूड यू शुड हैव. ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स नट्स ठीक है. आप जब स्कूल आओ तो अच्छे से खा के आओ. बट ऐसा भी नहीं कि फिर यहाँ पे स्लीपी हो जाओ नींद आने लगे मतलब ऐसा होता है ना. बट अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट हेल्दी मील्स. अवॉइड करो ड्यूरिंग द एग्जाम्स आउटसाइड ईटिंग. थोड़े दिन पहले से बाहर नहीं खाएंगे. ये जो लगे होते हैं ना वेंडर्स बाहर आजकल गोलगप्पे बेच रहे हैं या मोमोज और कचौड़ी है ना है बर्गर पिज्जा. अवॉइड ईट फूड एट होम. मम्मी ने जो बनाया है ठीक है. और द सेकेंड थिंग इज एक्सरसाइज. वाई इज एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट. फिजिकल एक्सरसाइज हमारी मेंटल हेल्थ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. यस बिकॉज इफ यू आर फिजिकली एक्टिव यू विल गेट मोर ऑक्सीजन. इट विल गो टू योर ब्रेन विल बी एक्टिव एंड यू विल बी एबल टू लर्न मोर. तो फिजिकल एक्टिविटी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है ठीक है. और थर्ड थिंग इज आप लोग क्या फिजिकल एक्टिविटी करते हो आजकल.
फिजिकल एक्टिविटी और खेलने का ये मतलब नहीं है कि आप वीडियो गेम्स खेलो। मोबाइल और टीवी को रिस्ट्रिक्ट करो, आजकल ये सब चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है ना बहुत। यू शुड हैव अ सर्टेन टाइम टू वॉच टीवी, लाइक हाफ एन आवर आप रख सकते हो एंटरटेनमेंट के लिए, हाफ एन आवर फॉर टीवी एंड 10-15 मिनट्स फॉर मोबाइल, बट मेन थिंग इज आउटडोर एक्टिविटी। ये जो बच्चे पीछे बात कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हो? यू वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग? यू कैन डिस्कस विद अस एंड थर्ड थिंग इज स्लीप। हो जाते हैं और कितने बच्चे रात के 1-2 बजे तक पढ़ते हैं और बाकी बच्चे मिडनाइट? आइडियली क्या होना चाहिए, आप मैक्सिमम यू आर इन क्लास 10th ना, आइडियली आपको 11 o'clock बाय ऑल मींस यू शुड बी इन द बेड और आप सुबह 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, सो दैट यू कैन गेट कितने आवर्स की स्लीप चाहिए आप लोगों को? 7 to 8, ठीक है? 7 to 8 अनइंटरप्टेड स्लीप अगर आपको मिल जाती है। व्हाई स्लीप इज इंपॉर्टेंट? एग्जाम से एक रात पहले नींद नहीं आती कभी कभी ना, और आप एग्जाम में सब भूल जाते हो, क्यों? पूरी रात पढ़ते रहते हो और फिर आप बोलते हो कि हमने पूरी रात पढ़ाई की फिर भी पेपर अच्छा नहीं हुआ, फिर भी बेकार हो गया, भूल गए। व्हाई स्लीप इज इंपॉर्टेंट? स्लीप जो होती है वो हमारी मेमोरी में हेल्प करती है। अगर हमें अच्छी नींद आएगी तो हम जो भी हमने पूरा दिन में याद किया है वो हमें रिटेन रहेगा माइंड में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिफोर एग्जाम एटलीस्ट गेट 7 hours ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप। जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, ठीक है? ये नहीं कि पूरी रात आप पढ़ रहे हो, उससे आप पक्का भूलोगे। तो कैसे बनाते हैं स्ट्रॉन्ग? आप लोग तो वीक फील करने लग जाते हो, परेशान हो जाते हो, है ना? कैसे बनाते हैं स्ट्रॉन्ग? आई विल टेल यू अ स्टोरी। आपने वो देखा है, बायोलॉजी पढ़ी हुई है ना आपने? वो लार्वा से प्यूपा और फिर कैटरपिलर और फिर बटरफ्लाई का पूरा प्रोसेस मालूम है ना? ठीक है, एक बार एक लड़का था और ही वॉज वॉचिंग आर लार्वा और अ प्यूपा कमिंग आउट फ्रॉम द शेल, ठीक है? तो उसने देखा कि ये जो भी ये क्रीचर है ये बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है निकलने में अपने शेल में से। बहुत देर देखता रहा, उसको लगा कि हाउ कैन आई हेल्प, इसको इतने एफर्ट्स लग रहे हैं, बहुत ही मुश्किल से अपने उसमें से निकल रहा है शेल में से। तो उसको उस पर दया आ गई, उसने सोचा आई शुड हैव सम सिंपैथी फॉर दिस स्मॉल क्रीचर एंड आई कैन हेल्प। तो उसने लड़के ने क्या किया, उसके शेल को तोड़ के और उसको प्यूपा को उसको बीच में से निकाल दिया अलग, ठीक है? तो वो जब उसको निकाल दिया तो बटरफ्लाई बनी थी ना जो, तो वो बटरफ्लाई क्या हुई, बटरफ्लाई के विंग्स जो थे वो स्ट्रांग नहीं बने और बटरफ्लाई फ्लाई नहीं कर पाई, वहीं पे रुके रही, वहीं पे बैठे रही वो, उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाई। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? कि वो जो एक क्रीचर है वो अपने शेल में से जब निकलता है तो क्या करता है, वो स्ट्रगल। तो वो जब शेल में से स्ट्रगल करके निकलता है तो उसके शेल में से कुछ केमिकल्स ऐसे निकलते हैं जो उसके विंग्स को स्ट्रांग बनाते हैं। तो वो लड़के ने सोचा मैं तो इसकी हेल्प कर दूं, लेकिन उस लड़के ने उसकी हेल्प नहीं की, उसने मन में तो ये सोचा मैं हेल्प करूं लेकिन हेल्प नहीं हुई, रादर वो और वीक हो गया। तो वो जो एक स्ट्रगल करता है वो क्रीचर निकलने के लिए और उसके शेल में जो केमिकल्स और जो हॉर्मोन्स और एंजाइम्स निकलते हैं वो उसके विंग्स को स्ट्रांग बनाते हैं, तो स्ट्रांग बन के वो बटरफ्लाई फिर फ्लाई करती है। तो ऐसे जब हम डिफिकल्ट सिचुएशंस को हम ये सोचें कि हमें कोई इजी बना ले तो हम स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे, क्योंकि डिफिकल्ट सिचुएशंस में से जब हम निकलने की सोचते हैं तो हमारा दिमाग क्या करता है,
बहुत चलता है ना, है ना। कोई भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारा सोचते हैं ना, तो सोचने से हमारा दिमाग और स्ट्रांग होता है। तो दीज डिफिकल्ट सिचुएशंस, दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स मेक अस स्ट्रांग। अगर आपके एग्जाम नहीं होंगे तो आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे ना। अगर आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होगा एंड ऑफ द ईयर, तो आप पूरा साल क्या करोगे? चाहे कोई कितना ही अच्छा स्टूडेंट होगा, क्या करेगा? रिलैक्स्ड। फिर नेक्स्ट क्लास में जो नॉलेज चाहिए होगी वो नहीं मिलेगी, ठीक है ना। सो व्हाट माय सजेशन टू यू इज टेक एग्जाम एज एनी अदर एग्जाम इन योर लाइफ। इट इज जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, ठीक है जी। आपको ये नहीं जज करे कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, आप बुरे हो या अच्छे हो, ऐसा कुछ नहीं जज करते नहीं करते ना, कि आप अच्छे बच्चे हो या अच्छे बेटे हो या अच्छी बेटी हो, नहीं। ये आपने जो पढ़ा है बस उसका नॉलेज, उस नॉलेज का टेस्ट है। एनी अदर क्वेश्चन? कुछ बच्चों को ये होता है कि हम पिछले साल फेल हो गए थे, इस साल भी पता नहीं पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, है ना। उसके लिए आप एक ये सोचो कि मैं पिछले साल जो फेल हुआ था या मेरे कम नंबर आए थे उसके क्या क्या रीजन है, लिखो उन रीजन्स को लिखो। या कम नंबर आए थे तो क्या रीजन थे, मे बी ये जैसे इन्होंने बोला कि मैं बीमार थी या सिचुएशंस ऐसी थी, या मैंने मेहनत नहीं करी, या मैंने कुछ चैप्टर्स को ऐसे छोड़ दिया। अपने रीजन सोचो क्या क्या रीजन थे, ओके। और क्वेश्चंस? कुछ कुछ बच्चों को ये तो नहीं लगता कि इतना सारा कोर्स है, हाँ कोर्स तो मैडम कम हो गया है। कुछ बच्चों को लगता तरीका है, उनको ना लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं याद होते, कुछ बच्चों को होते हो जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस को याद करने का क्या तरीका है? पॉइंट्स बना के, यस। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ अगर कोई भी एक सब्जेक्ट लेके बैठते हैं तो उसमें मन लगता है 5000 सब्जेक्ट्स को तरफ दिमाग जाता है। कौन सा सब्जेक्ट? कोई भी सब्जेक्ट लेके, एसएसटी साइंस। हां अक्सर मैंने ये देखा है कि सोशल स्टडीज में बच्चों का मन नहीं लगता।